प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आज सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं, इन दो सालों में अलग अलग लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वो अपना व्यापार करें, छोटे छोटे बिजनेस करें। मत्स्य विभाग किस तरह उनकी मदद कर रहा है? मत्स्य विभाग में जो ही मत्स्य की कल्पना होती है तो हम लोग उनको प्रशिक्षण से प्रारंभ कराते हैं। तो विभाग में 5 दिन का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उसमें फूडिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन जो भी है सारा खर्चा सरकार देती है। मार्ग व्यय के लिए बाद में DBT से हम लोग उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं राशि। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, ये एक चीज़ छूट रही है, मुझे ये बताइए कैसे, अगर मुझे प्रशिक्षण लेना है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्या प्रक्रिया है उसके? प्रशिक्षण का एक फॉर्म मेरे यहाँ अभी भी इस काउंटर पर जी उपलब्ध है, जो आ रहे हैं मैं उनसे साइन करा के उनको दे देता हूँ, तिथि बता देता हूँ, कहाँ पहुँचना है वो बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद की प्रक्रिया बताइए जी। उसके बाद उनको 5 डेज का ट्रेनिंग देंगे, उनको जो भी हमारे कार्यक्रम में जो सूट करेगा। ये देखिए, एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पंपलेट है, इसमें आउट ऑफ 47 किसको कौन सा योजना पसंद है, कौन सा योजना उनके लिए उपलब्ध हम कराएं, उसके लिए हम लोग उनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उसी का डिफरेंट मॉडल्स भी यहाँ उपलब्ध है। ये है बायोफ्लॉक योजना, एक है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, यानी एक ही पानी को बार बार हम लोग विभिन्न टैंक्स में घुमाते हैं और उसका पानी को फिर फिल्टर करते हैं, इसमें पानी का कम खपत लेकिन उत्पादन ज़्यादा होता है। आप जैसे देख रहे हैं ये बायोफ्लॉक छोटा सा है कि 4 मीटर का डायमीटर है, 1 मीटर हाइट है, इसमें हम लोग 500 kg ईयरली उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें लेटेस्ट तकनीक यही है कि इसको खाना हम लोग कम देते हैं, और खाना उसका जो फीकल मैटर होता है, टॉयलेट जो बोल सकते हैं, उसका कन्वर्सन हम लोग प्रोबायोटिक से केमिकली करा के उसका 40% एडजस्ट करते हैं, तो कम लागत में अधिक उत्पादन, कम जगह में अधिक उत्पादन। इस वक्त झारखंड में क्या स्थिति है, कितने किसान ये कर रहे हैं, कोई आंकड़ा है? झारखंड में मैं पूरे झारखंड के बारे में तो बहुत डिटेल नहीं बता पाता हूँ, लेकिन रांची में 32 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। अभी 32 लोगों को हम लोग ने विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा है। जैसे देखिए RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, यहाँ बोड़िया फार्म है, वहाँ डे साहब रिटायर्ड इंजीनियर हैं लेकिन इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बायोफ्लॉक में बंदर उड़ाव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा फन कैसल के पीछे निशान जी का, वो भी हम ही लोग के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ जितने लोग हम लोग से जुड़ते हैं, हम लोग का कारवां बढ़ते जा रहा है, और हमको लगता है ये फ्यूचर का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में अर्निंग का बहुत बड़ा अवसर का एक प्लेटफॉर्म। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।